सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तब तो आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 31वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्लोक श्री भगवान उवाच है। श्री भगवान कहते हैं, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। कहते हैं, हे पार्थ, जो बुद्धि धर्म और अधर्म, कार्य और अकार्य को यथावत मतलब उचित रीत से नहीं जानते हैं, नहीं जानती है, वह बुद्धि जो है राजसी है। तो क्या धर्म है और क्या अधर्म है, यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य कर्तव्य का बोध, और क्या शास्त्र सम्मत है क्या शास्त्र सम्मत नहीं है। हाँ, धर्म किसे कहते हैं, तो धर्म के 10 लक्षण मनुस्मृति में बताए गए हैं। तृतीय क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। तो धृति हो, क्षमा हो, ये जिसमें गुण है, जो इंद्रियों का दमन कर सकता हो, यानी हमारे जो कुत्सित विचार हैं उसका जो दमन कर सकता है, कुत्सित भावनाओं का जो दमन कर सकता है, और जो चोरी से बचता है, किसी की संपत्ति को बिना उसकी इजाजत के नहीं लेता, और जो पवित्र रहता है, साफ सुथरा रहता है, मन से भी साफ, दिल से भी साफ, शरीर से भी साफ, तो ऐसे जो है शौच क्रिया है वैसे है। और जो इंद्रिय निग्रह है, यानी इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण है, इंद्रियों को जो अपने काबू में रखा हुआ है, इंद्रियों रूपी घोड़े को जो काबू में क्या रखा हुआ है, वह उस तरह का रखना, वो धार्मिक व्यक्ति के लक्षण होते हैं। तो ये धर्म के लक्षण होते हैं। सत्य जो वचन बोलता है, जो विद्या में लगा हुआ है, हर तरह के ज्ञान विज्ञान में जो लगा हुआ है, और जो क्रोध नहीं करता है, ऐसे 10 लक्षण बताए गए हैं। तो ये मनु महाराज ने बताए हैं, स्वयंभू मनु ने, अपने धर्म शास्त्र में, जिसको कि आजकल कुछ लोग मनुस्मृति भी बोल देते हैं, मानव धर्म शास्त्र। तो उसमें धर्म क्या है, धर्म क्या, ये बताया गया। तो जो उन चीज़ों का पालन करता है वह धार्मिक है, वे उन चीज़ों का पालन करना धर्म है, जो उसको नहीं करता है वह अधर्म है। तो ऐसे धर्म और अधर्म का, ऐसे लोगों के हित के लिए कुछ काम करना, कल्याणकारी कार्य करना, सभी प्राणियों के कल्याण के लिए कार्य करना, और ये सब तो जो बताया, क्षमा और दम, शौच, इंद्रिय निग्रह, सत्य, ये सब जो है, ये सब धर्म है। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ हमारी क्या मर्यादा है, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, एक समाज के सदस्य होने के रूप में, देश के नागरिक होने के रूप में, उसमें क्या कर्तव्य है वह अपना निभाना चाहिए। शास्त्र में यज्ञ हवन बताया गया, उसके हिसाब से चलना चाहिए, उसमें क्या कर्तव्य है वह हमें निभाना चाहिए। तो अपने वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से व्यक्ति को, अपने कुल वंश के हिसाब से, अपने जो है ग्राम के हिसाब से, अपने देश के हिसाब से, मतलब परिस्थिति के हिसाब से आदमी को व्यवहार करना पड़ता है, वहाँ करना चाहिए वह कर्तव्य है। जो नहीं करता है वो जो है वह कर्तव्य से भाग रहा है, कर्तव्य का निषेध कर रहा है। तो और कितने लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। तो ऐसे लोग जो हैं, इस तरह के
लोगों की बुद्धि जो है मारी जाती है। ऐसे लोग यथार्थ नहीं जानते कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, पक्षपात कर देते हैं, कहीं मोह कर देते हैं, कहीं विषमता कर देते हैं, उनमें राग द्वेष की भावना आ जाती है, इस तरह से वे यथावत नहीं जानते हैं, यथार्थ निर्णय नहीं ले पाते हैं, निष्पक्ष निर्णय नहीं ले पाते हैं, न्यायपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते हैं, और जहाँ वह करना चाहिए वहाँ नहीं करके, जो नहीं करना चाहिए उसको ही करते हैं, उसी को वो ठीक समझते हैं। तो इस तरह से वास्तविक तत्व को ठीक ठीक से नहीं जानने के कारण, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है उसका बोध नहीं होने के कारण भी वे ऐसा नहीं कर पाते हैं। और ये जान लीजिए कि वक्त के हिसाब से भी कर्तव्य और अकर्तव्य होता है। विश्व में हर समय परिस्थितियां बदलते रहती हैं, उसके अनुसार से क्या आपका कर्तव्य है तो उसको अच्छा से सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, उसके बाद ही कुछ कार्य करना चाहिए। तो यही है, तो ऐसी बुद्धि जो है जो विचार नहीं कर पाती है, और राजसी बुद्धि है, राजसी बुद्धि जो है रजस की बुद्धि है, जिसका परिणाम जो है दुख होता है, रजस का परिणाम दुख होता है। तो ऐसी बुद्धि जो है हमें दुख की ओर ले जाती है, इससे हम दुखी होंगे और कुछ नहीं होंगे। तो यही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। हरिओम।